हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, स्टडी फोरम पे। आज हम नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उनके बारे में हमको। यार यहाँ पे इसमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, बैंकिंग में या कंप्यूटर ऑपरेटर किसी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो हमने यहाँ पे आपको लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी ही है जितने से आपका काम चल जाए एग्ज़ाम में वो। तो इसमें हम प्रोटोकॉल्स देखेंगे, नेटवर्किंग देखेंगे। इन वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस देखेंगे, मॉडेम, इथरनेट, हब, राउटर, स्विच, ये सब प्रोटोकॉल्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइज, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो मिल सके आपको सबसे पहले। यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपका कराया जा रहा है। अभी हम थ्योरी टाइप का कर रहे हैं, लास्ट में हम एक वीडियो और हमारी पैरेलल चल रही है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, सारा का सारा कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। आई होप कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके बेहतर भविष्य के लिए ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। आई होप कि आप उसको लाइक करते चलेंगे हमारे चैनल को। आपके लाइक से और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम वीडियो को बनाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग इवेल्यूएशन का। ठीक है, इवेल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बेसिक बेसिस देखेंगे इसमें से जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, विच वॉज द फर्स्ट नेटवर्क, जो पहला नेटवर्क जो था वो क्या था, 1960 में अपारनेट था। ठीक, अप्रानेट था। ठीक है, अप्रानेट फाउंडेड कहाँ किया गया था, ये डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी, डिफेंस में मिलिट्री यानी रक्षा विभाग में इसका इंटरनेट के यूज़ की वजह से वहाँ पे नेटवर्किंग स्टार्ट की गई थी। टेक्निक यूज्ड इन अप्रानेट जो होता था, बस इतना आप देख लीजिए कब आया था अप्रानेट, पहला नेटवर्क था, कहाँ पे हुआ था, अप्रा डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए था। टेक्निक जो यूज़ होती थी वो पैकेट स्विचिंग यूज़ हुई है नेटवर्किंग में। अब पैकेट स्विचिंग का क्या मतलब है, देखिए पैकेट स्विचिंग में बताऊंगा स्विचिंग का मतलब क्या होता है। स्विचिंग का मतलब टू सेंड अ डेटा, किसी डेटा को सेंड करना एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे। ठीक है, इसका मतलब एग्जैक्ट डिफाइंड डेस्टिनेशन पे डेटा को सेंड करना स्विचिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने एक स्विच बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक स्विच बनाया, आपको पता है इस स्विच को दबाने से ये वाली बटन ऑन, ये वाली बल्ब चल जाएगी, तो आपने उसको दबाया, ऑन किया, फुल लाइट चल गई। एग्जैक्टली आपने एक डेस्टिनेशन उसको दे ही कि वही बल्ब चलेगा। तो ये जो डेटा सेंड करता है एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे, ट्रांसमिशन क्या होता है इसमें, इस अप्रानेट में वन वे कम्युनिकेशन होता था। कम्युनिकेशन जो होता है डबल साइडेड ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, यानी कि हम एक तरफ से बोल रहे हैं तो उधर से भी आप उसी टाइम में नहीं बोल सकते हैं, बाद में बोली जा सकती है। स्विचिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन द ट्रांसमिशन पाथ इज प्री डिफाइंड सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग टेक्निक इन विच डेटा ट्रांसमिशन पाथ इज प्री डिफाइंड, जहाँ पे प्री डिफाइंड हो डेटा पाथ उसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, उसके टाइप्स ऑफ स्विचिंग क्या होती है, देखिए टाइप्स ऑफ स्विचिंग होती है क्या होती है, एक पैकेट स्विचिंग होता है, सर्किट स्विचिंग होती है। पैकेट स्विचिंग अभी आपने, मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ बता रहा हूँ, सर्किट स्विचिंग अभी ऊपर आपने देखा क्या होता है। इन पैकेट स्विचिंग, पैकेट मीन्स होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डेटा। पैकेट स्विचिंग में आप समझिए, स्विचिंग होती है, स्विचिंग मैंने बताया डेटा को ट्रांसमिट करना, डेटा को सेंड करना, वो स्विचिंग कहलाती है। पैकेट मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डेटा। एक पैकेट बराबर होता है 4-bit इंफॉर्मेशन, यानी 4-bit इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, एक पैकेट स्विचिंग को सेंड करना होता है। बैंडविड्थ क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉल्ड अ बैंडविड्थ, यानी फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क इसमें डिटेल्स में हम बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं, वो इसलिए नहीं गए हैं कि एग्ज़ाम में आपको जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा वो यही पूछे जाते हैं, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप इनके फुल फॉर्म देख लीजिए। यदि आपको चाहिए इस पर डिटेल्स में वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इस पर हम डिटेल्स में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो लैन का फुल फॉर्म पूछ लेता है डायरेक्टली क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बताए दे रहा हूँ। लोकल एरिया मतलब, लोकल एरिया मतलब किसी ऑफिस में अगर आपको नेटवर्क यूज़ करना हो, कंप्यूटर जोड़ना हो, तो लैन का यूज़ करते हैं।
मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि जिसे किसी छोटे शहर में आपको करना हो तो वहाँ पे ये मैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी शहर में, लखनऊ जैसे शहर में आप रह रहे हैं, उस एरिया में, छोटे एरिया में आपको नेटवर्क बिछाना है तो आपको मेट्रोपॉलिटिकल एरिया मैन का यूज़ करते हैं। लेकिन उसी में लखनऊ में किसी ऑफिस में आपको करना है तो लैन का यूज़ करते हैं। वैन का यूज़ क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क, पूरा का पूरा शहर अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, या पूरा का डिस्ट्रिक्ट यूज़ करना है तो उसमें क्या कहता है, उसमें हम वैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। पैन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो यूज़ करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, इसमें आप देख लीजिए ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या होती है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, नाम उसको आपको पता होना चाहिए। वायर्ड एक होता है, वायर्ड में क्या होता है ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, शील्डेड होते हैं जिसको कवर्ड कहते हैं, इनकी स्पीड जो होती है मोर देन 1000 Mbps होती है। अनसील्ड या अनकवर्ड जिसको कहते हैं, स्पीड अप टू 1000 Mbps होती है। उसके बाद कोएक्सल केबल होते हैं जिसके बेस बैंड पे होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए इसमें तीन तो होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल केबल जो होता है जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको बताना होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। उसके बाद वायरलेस जो होते हैं, वायरलेस आपको पता होगा रेडियो लिंक ट्रांसमिशन होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं। वायरलेस में आपका वाईफाई आ जाता है, जैसे वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वायरलेस फिडेलिटी होता है। वाईफाई के बारे में डिटेल अगर आपको जानना हो तो बता दीजिएगा, इसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी। अब वाईफाई का एक लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन आया है लाईफाई, अभी एग्जाम में पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी, यहाँ पे वायरलेस फिडेलिटी होता है, लाइट फिडेलिटी, दोनों में अंतर क्या होता है, वायरलेस के थ्रू यहाँ पे जाता है, यहाँ पे लाइट के थ्रू, लाइट इन्हीं की जो होती है। ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ये वाईफाई से कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसमें लाइट की लाइट ट्रेवल करती है एज अ सिग्नल, एज अ ट्रांसमिशन, एज अ डेटा के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स में वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि सेंडर अगर है तो सिर्फ सेंड करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल रेडियो, एफएम, टीवी, आप टीवी देख रहे हो घर पे, तो वो जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो सिंप्लेक्स होता है, वहाँ से जो भी ट्रांसमिट की जा रही है सिर्फ हम बैठ के देख सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। टीवी, एफएम है, रेडियो है, सुन रहे हैं तो आप जो उधर से जो भी वहाँ से सुनाया जाता है रेडियो स्टेशन से, वही हम सुनते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन इसमें होता है सिंप्लेक्स में। उसके बाद होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है गाइस, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, यानी यहाँ से वन वे कम्युनिकेशन इसमें भी होता है, बट थोड़ी सी खास बात इसमें ये हो जाती है कि सेंडर यहाँ से सेंड करता है तो रिसीवर इसको रिसीव करके फिर बाद में इसको रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको हाफ डुप्लेक्स करते हैं। यानी कि फुल्ली पूरी तरीके से टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसको टू वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन, बट वन साइडेड टू वे कम्युनिकेशन होता है। कहने का मतलब इधर से सेंड किया, इधर रिसीव किया, इसने रिसीव किया फिर इसको रिस्पॉन्स किया, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। जैसे वॉकी टॉकी हो गया, वॉकी टॉकी में क्या होता है कि उधर से मैसेज जो कोई बोल रहा है तो हम सुनेंगे तभी रिस्पॉन्स देंगे। एसएमएस हो गया, एसएमएस में क्या होता है गाइस कि अगर आपको किसी ने मैसेज भेजा मोबाइल में तो आप पढ़ेंगे फिर भेजेंगे, एट अ टाइम आप नहीं भेज सकते हैं दोनों टाइम पे। रडार इस टेक्नोलॉजी पे भी यूज़ करता है। फुल डुप्लेक्स देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सेंडर और रिसीवर होते हैं, सेम टाइम पे दोनों तरफ डेटा ट्रांसमिट की जाए। जैसे आप क्या कह रहे हो कि मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल के थ्रू आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, आप देखते हो कि कहीं व्हाट्सएप आप चला रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप अगला भी कर रहा है, आप भी टाइप कर रहे हो, और दोनों एक साथ में ही डेटा को सेंड कर सकते हो, दोनों तरफ से ट्रांसमिशन होता है, इसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है, इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स जो होता है टू वे ट्रांसमिशन होता है, दोनों डायरेक्शन से डेटा ट्रांसमिशन किया जा सकता है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं एग्जाम में डायरेक्टली उनके बारे में पूछता है
ये क्या करते हैं, ठीक है। तो मॉडेम के बारे में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, मॉडेम है क्या उसके बारे में देखिए। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसको कहते हैं। इट कन्वर्स डेटा, डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग एंड आल्सो एनालॉग टू डिजिटल, यानी ये करता क्या है कि एनालॉग डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज करता है, एनालॉग को फिर डिजिटल में चेंज करता है। इट वर्क्स विद फिजिकल लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ये है, ये पूछता है ये किस लेयर में मॉडेम, किस लेयर में नेटवर्क काम करता है, तो फिजिकल लेयर। और ये लेयर क्या है, ये OSI मॉडल होता है, 7 लेयर्स होती हैं। उसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, पूरी डिटेल्स उसमें बताएंगे, जो जो लेयर्स हैं उस लेयर में कैसे काम करता है, वो लेयर का काम क्या यूज़ होता है, कैसे वहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है, उस लेयर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस काम करती हैं। तो आप यहाँ पे अभी बेसिक्स देख लीजिए। मॉडेम जो होता है आपका फिजिकल लेयर में वर्क करता है। इट इज़ ए इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। अब देखिए मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन होता है एनालॉग टू डिजिटल को चेंज करना। तो मॉडेम के लिए आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर ये भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद देखिए RJ45 क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, इट इज़ अ कनेक्टर विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ढेर सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल से ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करता है। RJ45 एक तरीके का कनेक्टर होता है ये। उसके बाद इथरनेट NIC या इथरनेट कह लीजिए या NIC कर लीजिए, बात एक ही है। इसको कहते हैं इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कभी कभी एग्जाम में पूछता है NIC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इट इज़ ए नेटवर्क एडॉप्टर विच इज़ यूज फॉर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वाई केबल, केबल के थ्रू क्या होता है ये मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो बहुत ही हाई स्पीड यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। द एड्रेस जनरेटेड इन NIC इज़ MAC एड्रेस, MAC का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कई बार पूछा गया है कि MAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल फुल फॉर्म होता है। हब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हब क्या होता है, अभी हमने आपको बता दूं गाइस कि हमारा एक चैनल अभी वीडियोस अपलोड हुआ है, उसमें आपको पूरा का पूरा टोपोलॉजी बताई गई है, टोपोलॉजी किस तरीके से प्रोटोकॉल्स टोपोलॉजी के बारे में बताया गया है। वहाँ पर ये सारा का सारा हब क्या होता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी क्या हो गई, तो स्टार टोपोलॉजी में हब का यूज़ क्या है, तो उन सब चीज़ों का अच्छे से वहाँ डिस्कशन किया गया। तो हब क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कंसनट्रेटर होता है, ठीक है। इट्स एम टू ट्रांसफर डेटा इनटू अनदर सिस्टम, ये क्या कहता है कि एक मतलब डेटा, किसी डेटा को किसी दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ ऑल्सो वर्क विद द डेटा लिंक लेयर, यानी ये किस लेयर में काम करता है, डेटा लिंक में काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि हब किस नेटवर्क में किस लेयर में काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर में काम करता है। वैसे भी आप अगर वो लेयर वाली वीडियो देख लेंगे, OSI मॉडल का वीडियो है, आप चैनल पे देखेंगे तो आपको, अभी अपलोड करने वाले हैं हम उसको, बस आपको कल या परसों नोटिफिकेशन मिल जाएगा 1 से 2 दिन में, तो आप OSI मॉडल देख लेंगे। तो वहाँ भी मैंने सारे डिवाइसेस किस लेयर में यूज़ होते हैं उसको बहुत अच्छे से बता रखा है। स्विचेस क्या होती हैं, देखिए स्विचेस इन दिस डेटा नॉट ट्रांसफ़र अनदर सिस्टम अननेसेसरी, इसमें क्या होता है अननेसेसरी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इट सेंस डेटा वेर इट रिक्वायर्ड देयर डेस्टिनेशन, इसमें क्या होता है कि ये वहीं पे डेटा ट्रांसमिट करती है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। इट वर्क्स विद डेटा लिंक लेयर। अब देखिए हब और स्विच, हब और स्विच दोनों आपका जो होता है किस में यूज़ होता है, डेटा लिंक लेयर में यूज़ होते हैं ये डिवाइसेस। उसके बाद रिपीटर की बात कर रहे हैं, तो रिपीटर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डेटा। ये रिपीटर क्या करता है, एम्प्लीफाई करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एम्प्लीफाई इनकमिंग वीक सिग्नल टू कन्वर्ट टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है गाइस, रिपीटर का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई रिपीटर है, ठीक है, आप कोई डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो हर 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे एक रिपीटर लगाया जाता है। कि आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर में जो भी सिग्नल्स या ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के फॉर्म में होती है, ठीक है,
लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती रहती हैं, तो वो कुछ दूर जाने पर सिग्नल वीक हो जाती हैं। जब सिग्नल वीक हो जाती है तो उनको फिर से एम्पलीफाई किया जाता है, यानी कि उसको स्ट्रांग बनाया जाता है। वीक सिग्नल को उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, एम्पलीफाई मतलब उसको स्ट्रांग बना देते हैं सिग्नल को, तो उस सिग्नल को फिर से कुछ दूर तक यूज़ करता है, फिर 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे फिर एक रिपीटर लगाए जाते हैं। तो ये रिपीटर्स होते हैं, क्या काम करते हैं, बस एक ही काम क्या होता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना और उसको एम्पलीफाई करके स्ट्रांग में फिर से कन्वर्ट करना। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है टू इट कनेक्ट टू सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ये दो सेम टाइप्स के नेटवर्क को, जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रिज हो गया, यहाँ पे दो नेटवर्क आपके जुड़ गए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ब्रिज जो होता है इस तरीके काम करता है, यहाँ पे टू सेम टाइप्स के सिग्नल्स को ब्रिज, जैसे आपको पता है भाई किसी नदी को पार करने के लिए एक ब्रिज लगे होते हैं ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती, उसी तरह ब्रिज भी काम करता है, इस सिग्नल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। राउटर क्या होता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है राउटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्मार्ट डिवाइसेस। राउटर के स्मार्ट डिवाइसेस करते हैं, टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क इज कॉल्ड राउटर। यानी ये क्या करता है, ट्रांसमिट डेटा, एक पैकेट को दूसरे नेटवर्क को सेंड करना होता है, राउटर कहलाता है। इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि एक तरीके का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है, दो डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है राउटर। तो राउटर इट डिसाइड मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर डेटा ट्रांसमिट टू एल्गोरिदम। ये क्या करता है राउटर कि ये एक तरीके का मतलब एल्गोरिदम क्रिएट करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा रूट सबसे बेहतरीन होगा डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब एल्गोरिदम क्या होता है गाइस, एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ स्टेप्स कॉल्ड एल्गोरिदम, यानी कि सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स लिए जाते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, वो स्टेप्स होते हैं एल्गोरिदम कहलाते हैं। अब देखिए राउटर किस में यूज़ होते हैं, राउटर होते हैं नेटवर्क लेयर में, ठीक है, नेटवर्क क्योंकि ट्रांसमिशन का काम कर रहा है तो वो नेटवर्क लेयर में ये यूज़ होता है, आप इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्टली। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इट इज़ इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये भी दो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। गेटवे कैन वर्क्स विद ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये कैन भी वर्क्स, ये क्या करता है, ये किसी भी नेटवर्क में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली इट वर्क विद द एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर में ज़्यादातर यूज़ होता है, कौन सा, गेटवे, ठीक है गाइस। ये भी क्या करता है, एक तरीके टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को गेटवे क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में ये अलग से एक वीडियोस हमारी आएगी, इसके बाद आप उस पर पूरी की पूरी डिटेल्स हम देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पूरा का पूरा डिटेल्स मिल सके और कम टाइम में आप अच्छे आपको कंटेंट्स मिल सके। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे इसका अंत होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, जो आप अभी देखें आप प्रोटोकॉल्स के बारे में, आपको बहुत से जल्दी जल्दी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।